बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। हबीबस किचन में नई रेसिपी के साथ खुश आमदीद। आज हबीबस किचन में हम बना रहे हैं बोन मैरो सूप। ये बहुत ही हेल्दी रेसिपी है कि नेचुरल सोर्स है विटामिन ए, डी, आयरन, प्रोटीन और कैल्शियम का। इसमें बहुत ज़्यादा मिकदार में ऐसे मिनरल्स पाए जाते हैं जो हमारी स्किन, नेल्स और बालों के लिए बहुत ही मुफीद हैं, और ये हमारे बोन जॉइंट्स के लिए भी बहुत ही मुफीद हैं, और ये हमारे बोन जॉइंट्स को रिपेयर भी करता है। इसके लिए हमें चाहिए होंगी हड्डियाँ। यहाँ पे हम ले रहे हैं जॉइंट्स की हड्डियाँ। इसके अलावा आप नली वाली हड्डी भी ले सकते हैं, और ये सूप बनाने के लिए आप दुम की हड्डी भी ले सकते हैं और गर्दन की हड्डियाँ भी ले सकते हैं। यहाँ पे हड्डियाँ हैं हमारे पास तकरीबन 500 ग्राम। इसमें हम तकरीबन 2 लीटर पानी डालेंगे, यानी कि हम हड्डियों से 4 गुना ज़्यादा पानी डालेंगे। और इसमें हम डालेंगे 1 मीडियम साइज़ की बारीक कटी हुई प्याज, और तकरीबन 1 टेबलस्पून हम इसमें डालेंगे लहसुन अदरक का पेस्ट। 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे नमक। नमक आप हस्बे ज़रूरत भी डाल सकते हैं। और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे हल्दी पाउडर, और 8 से 10 इसमें जाएंगी साबुत काली मिर्च, और 1 टीस्पून हम इसमें डालेंगे सफ़ेद ज़ीरा। 2 से 3 स्टिक्स इसमें डाल देंगे हम दालचीनी की, और 2 से 3 लौंग हैं हमारे पास, और 1 बड़ी इलायची। और फिर इन सबको हम मिक्स करेंगे, और लो फ्लेम पे इसको हम 3 से 4 घंटे के लिए पकने देंगे। अगर आप इसको प्रेशर कुकर में बना रहे हैं तो इसको 30 से 35 मिनट के लिए लो फ्लेम पे पकाएंगे। ये तकरीबन 4 घंटे के बाद बोन मैरो सूप रेडी है। आप देख सकते हैं कि हड्डियाँ अच्छे से नरम हो चुकी हैं। अभी हम इसको उतार लेंगे और गार्निश करेंगे कुछ बारीक कटे हुए हरे धनिया से। उम्मीद है आपको ये हमारी बहुत ही हेल्दी और बहुत ही मज़े की रेसिपी अच्छी लगी होगी। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।